दोस्तों सब्सक्राइब करिए मिस्टीरियस अर्थ को और प्रेस करिए इस बेल के घंटे को ताकि आप देख सके वीडियो सबसे पहले। धरती के दो तिहाई हिस्से में समुद्र ही समुद्र है। एक्सपर्ट कहते हैं कि हम अपने चांद के बारे में ज्यादा जानते हैं और समुद्र के बारे में कम, क्योंकि हम सभी सागर के सिर्फ 5% हिस्से के बारे में ही जानते हैं। 95% समुद्र अब भी हमारे लिए अनजाना है। समुद्र अपने भीतर बड़े बड़े राज छुपाए हुए हैं। हम आपके लिए लेकर आए हैं समुद्र के कुछ ऐसे ही 10 अनसुलझे रहस्य। पहला है, समुद्र में फटाफट कैसे बन गई मम्मी। दक्षिणी फिलीपींस में समुद्र तट के करीब एक लावारिस नाव मिली थी, जिसमें जर्मन नाविक मैनफ्रेड फ्रिट्ज ब्रुजावर्ट का शव टेबल पर बैठी हुई स्थिति में मिला था। ऐसा लग रहा था मानो फ्रिट्ज अपने हाथ पर सिर रखकर सो रहे हों। उनकी लाश सड़ी नहीं थी बल्कि मम्मी जैसी बन चुकी थी। हालांकि ऑटोप्सी के बाद साइंटिस्ट यह जानकर हैरान रह गए कि ब्रुजावर्ट की मौत महज 7 दिन पहले हुई थी। कुछ एक्सपर्ट का अनुमान था कि समुद्र के नमकीन और सूखे वातावरण में रहकर लाश मम्मी बन गई हो, लेकिन कोई यह बात नहीं बता पाया कि जहां दूसरी लाशों को मम्मी बनने में लंबा समय लगता है, वहीं ब्रुजावर्ट की लाश सिर्फ हफ्ते भर में कैसे वैसे बन गई। दूसरा है, किसने बसाया था ये शहर। जापान के योनागुनी के तट पर ऐसी संरचनाएं मिली हैं जो किसी पुराने शहर का अवशेष लगती हैं। हालांकि विशेष इस बारे में एक राय नहीं है, कुछ लोगों का मानना है कि ये कुदरती संरचनाएं हैं और अपने आप ही बन चुकी हैं, जबकि कुछ का मानना है कि ये इंसानों से इतर किसी अन्य सभ्यता ने ही बनाया है। तीसरा है, ये मछली का काम है या एलियंस का। दक्षिणी जापान में समुद्र के तलहटी में गोल आकृतियां मिलती हैं। इन्हें सबसे पहले 1995 में देखा गया था। उसके बाद गोताखोरों को ऐसी कई आकृतियां मिली हैं। बहुत से लोग मानते हैं कि ये एलियंस का काम है। उनका मानना है कि ये UFO, यानी कहा जाए कि एलियंस के प्लेन और शिप्स में ऐसी संरचनाएं बनती हैं। हालांकि वर्ष 2011 में साइंटिस्ट ने बताया कि 5 इंच लंबी एक मेल फफर मछली ऐसी संरचनाएं बनाती है। वह फीमेल फिश को आकर्षित करने के लिए ऐसा करती है। इसके बावजूद बहुत से लोग इसे एलियंस का ही काम मानते हैं। नंबर 4, समुद्र तट पर कहां से आते हैं पैर। कनाडा के ब्रिटिश कोलंबिया में सेलेंस बीच पर इंसाने पैर मिलते रहते हैं। 2008 के शुरू में इस सिलसिले के तट पर लगभग 16 पैर मिल चुके हैं। इनमें से कुछ पैर में स्क्रीन्स हाईपुट और रेगुलर शूज भी मिले हैं। ये पैर वैसे कैसे पहुंचते हैं, कोई उन्हें क्यों वहां छोड़ देता है और वे किसके पैर हैं, इन सारे सवालों का अब तक कोई जवाब नहीं मिल पाया है। नंबर 5, सी मॉन्स्टर की हकीकत क्या है। सदियों के हिस्से कहानियों में, लोक कथाओं में समुद्र देवताओं का वर्णन मिलता है। बहुत सारे लोग इन्हें देखने का दावा भी करते हैं। माना जाता है कि ये भारी भरकम विशालकाय प्राणी समुद्र की गहराइयों में रहते हैं। सी मॉन्स्टर्स ड्रैगन, सांप, स्केट्स किसी भी तरह के हो सकते हैं। नंबर 6, क्या यह स्पेसशिप है। 2011 में बाल्टिक सागर में तली में एक मिस्टीरियस ऑबलेट मिला था। माना जाता है कि इसमें जादुई शक्तियां हैं जिनके चलते उसके आसपास गोताखोरों के उपकरण काम करना बंद कर देते हैं। बहुत से लोगों का मानना है कि यह अंतरिक्ष के जीवों का स्पेसशिप है जो दुर्घटना के बाद समुद्र में आ गिरा था। नंबर 7, यह है क्यूबा की अंडरवाटर सिटी। वर्ष 2011 में क्यूबा में समुद्र के अंदर एक ऐसा शहर पाया गया था। इसमें कई पिरामिड और गोल आकृति वाली संरचनाएं हैं और खंभे हैं और अन्य ज्योमेट्रिकल आकृतियां भी बनाई गई है। माना जाता है कि यह पानी में डूबा शहर है जहां हजारों साल पहले लोग रहा करते थे। नंबर 8, बड़ी शार्क को किस बड़े जीव ने मारा। ऑस्ट्रेलियाई साइंटिस्ट 9 फीट की एक ग्रेट व्हाइट शार्क पर रिसर्च कर रहे थे। एक दिन उन्होंने पाया कि शार्क बीच पर पड़ी हुई थी। लहरें उसे किनारे तक बहा ले आई थी। उस शार्क का आधा शरीर खा चुका था कोई। वैज्ञानिक यह देखकर हैरान रह गए
क्योंकि उन्हें यह सूझ नहीं रहा था कि यह समुद्र में ऐसा कौन सा जीव हो सकता है जो इतनी बड़ी और खूंखार शार्क को भी शिकार कर सकता है। अनुमान लगाया गया था कि दूसरा जीव और बड़ी शार्क हो सकती हैं। उसे कैनिबल शार्क नाम दिया गया था, हालांकि यह अब तक अनुमान नहीं लगा पाया है कि यह कैसे हो चुका है और सच्चाई के बारे में कोई भी पक्के तौर पर कुछ नहीं कह पा रहा है। नंबर 9, क्या हुआ था उस युद्ध में? 2002 में जावा के उस समुद्र में सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान के 3 दिन युद्धपोतों के अवशेष मिले थे। माना गया है कि जापानी सेना के साथ लड़ाई में उनके ये हाल हो चुका है। इस लड़ाई में लगभग 2200 लोग मारे गए थे। बहरहाल उस समय क्या हुआ था इस बारे में विषय पक्के तौर पर कुछ नहीं कह पा रहे हैं। नंबर 10, उस घोस्ट शिप में क्या हुआ था? 1872 में अटलांटिक महासागर के बीच मैरी सुलस्टर नामक जहाज लावारिस और जर्जर हालत में मिला था। जहाज पर क्रू का कोई मेंबर नहीं था, ना ही किसी की लाश थी। अलबत्ता क्रू का सारा सामान और शराब अछूती ही पड़ी थी। अंदाजा लगाया गया है कि समुद्र में भूकंप आने पर सारे क्रूज जहाज छोड़कर समुद्र के कूद पड़े होंगे। कुछ लोग इसे अनजान ताकतों का काम भी बताते हैं। एक सिद्धांत यह भी कहता है कि किसी बड़े समुद्र जीव ने उन सबको खा लिया हो। Please subscribe this channel and if you like this video then don't forget to like, comment and share.